वेलकम स्टूडेंट इन ई लर्निंग मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई डिड द गर्ल राइट ए लेटर टू वांदा? मैडी और पैगी गर्ल्स यहाँ कौन है? मैडी एंड पैगी। उन्होंने वांदा को एक लेटर क्यों लिखा? डिड दे गेट ए रिप्लाई? क्या उनको उस लेटर का जवाब मिला? हु वॉज मोर एंक्शियस फॉर द रिप्लाई? उनमें से कौन लड़की है वो जवाब के लिए ज्यादा बेचैन थी? हाउ डिड द गर्ल नो दैट वांदा हैड लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर? उन दोनों लड़कियों को ये बात कैसे पता चली कि वांदा उनको पसंद तो बहुत पसंद करती थी, चाहे वो उसको टीज कर रही थी, चाहे उन्होंने उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाया था? तो आंसर रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वांदा हैड लेफ्ट द टाउन, जब वांदा है वो सिटी छोड़ चुकी थी, द गर्ल्स रोट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग वांदा अबाउट द ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट दैट शी हैड वॉन। तो लड़कियों ने, दोनों ने, पैगी और मैडी ने वांदा को एक पत्र लिखा उस ड्रॉइंग कॉन्टेस्ट के बारे में, उस पेंटिंग प्रतियोगिता के बारे में जो उसने जीती थी। दे टोल्ड हर दैट हर ड्रॉइंग्स वर प्रेज्ड द लॉर्ड। उस पत्र में उन्होंने ये कहा कि उसकी पेंटिंग से उसकी बहुत प्रशंसा हुई। दे ऑल्सो आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेस। उसने उस पत्र में उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि क्या उसको अपनी नई जगह पसंद है और नॉट या नहीं है, एंड हाउ हर न्यू टीचर वॉज, और उसकी नई टीचर कैसे है। दिस लेटर वॉज रिटन टू बेग पार्डन ऑन देयर पार्ट। वास्तव में ये जो लेटर है ये वांदा से क्षमा याचना के लिए लिखा गया था। मैनी डेज पास्ट, कई दिन बीत गए। दे डिडंट रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम वांदा, उनको वांदा से कोई जवाब नहीं मिला। मैडी वॉज मोर एंशियस अबाउट द रिप्लाई, मैडी है दोनों में से ज्यादा चिंतित थी उस पत्र का जवाब आने में। शी कुड नॉट स्लीप एट नाइट, क्योंकि वो रात को सो नहीं पा रही थी। एट लास्ट दे गोट ए रिलीफ, अंत में उन्हें एक राहत की सांस मिली। वेन द टीचर शोड देम ए लेटर रिटन टू देम बाय वांदा, जब उनकी टीचर ने उनको एक लेटर दिखाया जो कि वांदा ने लिखा था। वांदा हैड एड्रेस दिस लेटर टू हर क्लास टीचर, वांदा ने ये जो लेटर है वो अपनी क्लास टीचर को एड्रेस किया था, ठीक है। वांदा ने ये लेटर है वो अपनी क्लास टीचर को एड्रेस किया था, सेइंग दैट पैगी शुड हैव ग्रीन कलर ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग्स, कि पैगी को एक प्रकार से ग्रीन ड्रेस मिलनी चाहिए जिसके अंदर रेड ट्रिमिंग्स हैं, ठीक है, ट्रिमिंग्स झालर होती है। एंड हर फ्रेंड मैडी शुड गेट द ब्लू ड्रेस विद ग्रीन ट्रिमिंग्स, और मैडी को ब्लू ड्रेस मिलनी चाहिए जिसके अंदर ग्रीन ट्रिमिंग्स हैं। व्हेन दे गॉट दीज ड्रॉइंग्स, जब उनको ये ड्रॉइंग्स मिलती हैं, दे वर सरप्राइज टू नो दैट द हेड एंड द फेस लुक लाइक देम, उन्होंने देखा कि इन पेंटिंग्स के अंदर जो मुंह और फेस है वो बिल्कुल उनकी ही शक्ल का है। This showed that although the girl made a fun of her, she had forgiven them. Okay, इससे पता चलता है कि हालांकि जो गर्ल्स हैं उन्होंने वांदा का मजाक उड़ाया था, लेकिन वांदा ने उनको माफ कर दिया था। Okay, she didn't hit them with the same coin, और वांदा ने ईंट का जवाब है वो पत्थर से नहीं दिया था। तो हिट विद द सेम कॉइन, दिस इज एन idiom, ये एक मुहावरा होता है। ओके, तो आई होप दैट नाउ यू विल बी एबल टू राइट दिस आंसर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव ए नाइस डे।